प्रश्नावली 8.2 सवाल नंबर 1 कौन करेंगे। तो देखो इन सवालों के लिए आपको ये टेबल आना आवश्यक है। यदि ये टेबल आती है तो आप सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। टेबल मैंने पिछले वीडियो में बनाई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख लेना। देखो पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने आपको। तो पहला है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। आपको क्या करना है, सारणी से मान देखने हैं, यहाँ मान रखना है, इनको हल करना है। ठीक है, करते हैं। देखो साइन 60, बताओ साइन 60 का मान कितना है, अंडर रूट 3/2। यहाँ आएगा अंडर रूट 3/2। देखो इन दोनों के बीच कोई चीज नहीं है तो गुणा आएगा। अब कोस 30, कोस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2। यहाँ आएगा अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2। टेबल आती है ना आपको तो आसानी से बना सकते हो। कोस 60 का मान, कोस 60 का भी कितना होता है 1/2। ठीक है, हल करते हैं। देखो यहाँ अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा कर लेना तो 3 आता है। देखो ये आधा रूट 3 और आधा रूट 3, जब ये दोनों गुणा होते हैं तो ये बढ़ जाता है आपके पूरा 3। 2 का 2 से गुणा होंगे तो 4 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 × 2 = 4। अब यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको लघुत्तम, तो बताओ कितना आएगा 4, है ना। नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों सेम, क्या आएगा 3 + 1। तो 3 और 1 कितना हो गया 4/4 का भाग 4 में 1 आपका आंसर आ गया 1। आए समझ में। अब देखो दूसरा, 2 tan² 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। साठ इसे मान देखो, इसमें मान रखो, हल करो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले 2, अब देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आएगा। अब 10 = 45, मतलब 10 = 45 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ इसका मान हो जाएगा 1, इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर प्लस cos 30, cos 30 का मान होता है √3/2। अंडर रूट 3/2 इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर माइनस साइन 60, साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब देखो ये वाली संख्या एक बार तो है प्लस में और एक बार है माइनस में, सेम है ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसमें से इसको घटाओगे क्या बचेगा 0, मतलब ये तो यहाँ से खत्म हो जाएगी, हो गया। अब देखो यहाँ क्या बचा है, 2, 1 का स्क्वायर, 2 एकम, इसका आंसर आ गया आपके, आए समझ में। अब देखो सवाल नंबर 3, cos 45/30 प्लस cos 30, सारणी से मान देखो, मान यहाँ रखो, जोड़ भाग गुणा भाग करो, आपका आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले है आपके cos 45, बताओ कितना है, cos 45 का मान है 1/√2, यहाँ आएगा 1/√2। अब बटे में देखो sec 30, sec 30 का मान है आपके 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30, cosec 30 का मान है 2, तो यहाँ आएगा आपके 2। तो देखो हल करेंगे इसको, ये तो बटे में है, ठीक है, देखो ये भी बटे में है लेकिन इसके साथ कितना जोड़ना है 2, तो यहाँ मान लो इसके बटे में क्या लगा दो 1, यहाँ लेना पड़ेगा आपको लसर, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हल हो रहा है लेकिन इसको हल करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पर 1/√2 को तो सेम लिखेंगे, अब बटे में थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, यहाँ लसर लेंगे, बताओ लसर क्या आएगा, √3 आएगा लसर, ठीक है। अब देखो √3 का भाग √3 में 1 बार, एक को किसे गुणा करेंगे 2 एकम 2 प्लस 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को किसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, आगे समझ में। अब देखो ये भी भिन्न में और ये भी भिन्न में, जब दो संख्याएं भिन्न में हो और भाग में हो तो उसको गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या का उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं उल्टा, तो इसका क्या करना पड़ेगा उल्टा। तो देखो क्या हो जाएगा 1/√2 गुणा, अब उल्टा करोगे ना तो ये अंडर रूट 3 तो हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 2 + 2 √3, ठीक है। अब इनको गुणा करना है तो गुणा करो, अंडर रूट 3 को 1 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 बटा ये 2, दोनों से गुणा होगा, देखो 2 को 2 से गुणा किया 2√2, ठीक है।
अब प्लस अंडर रूट दो को इसे गुणा करोगे ना, तो देखो अंडर रूट वाली संख्या अंडर रूट वाली संख्या से गुणा हो जाती है, तीन दूनी छह, तो ये दो बार है इसे, दो अंडर रूट छह, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दो, दो को बना सकता है, दो को बाहर निकाल लो, तो यहाँ क्या बचा अंडर रूट तीन और बटे में कितना दो, तो कॉमन आ गया, दो का भाग इसमें दोगे तो अंडर रूट दो प्लस दो का भाग इसमें दोगे तो अंडर रूट छह, ठीक है आ गया। आप चाहो तो ये पर आपका आंसर आ गया, लेकिन इसको आप आगे भी हल कर सकते हो, और आगे हल करने के लिए आपको करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण, जो क्लास 9th में था, हर का परिमेयकरण करना है आपको। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो नीचे वाली संख्या है ना इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, मतलब हंस और हर को क्या करते हैं गुणा करते हैं। अगर आप परीक्षा में यहाँ तक भी छोड़ दोगे तब भी आपका सवाल सही है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ो तो क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण, ठीक है, करने पर करो हर का। तो देखो अंडर रूट कितना, दो बटा दो कोष्टक अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट छ। अब हर का परिमेयकरण में क्या करते हैं, अंडर रूट दो माइनस अंडर रूट छ, यहाँ तीन है, अब ऊपर तो माइनस से और नीचे प्लस से, तो क्या आएगा अंडर रूट दो माइनस अंडर रूट छ, मतलब दोनों माइनस से करना है, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे क्या करना है आपको गुणा करना है, ठीक है ना, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस, ये तो इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक बार तो संख्या प्लस में और एक बार संख्या किसमें, वो ए प्लस बी और एक माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये गुणा करो, ठीक है ना। तो देखो अंडर रूट तीन को दो से गुणा किया, तीन दूनी कितना हो गया छह, और माइनस इसको इससे गुणा किया कितना हो गया अठारह, ये हो गया आपके अठारह बटे में, हो गया ना छत्तीस अठारह हो गया। अब देखो ये दो तो अपन बाहर ले लेंगे इधर दो तो, ठीक है, और यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस, सूत्र है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो लिखते हैं प्लस में और एक बार लिखते हैं माइनस में। अब देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट दो का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट छह का स्क्वायर, ठीक है हो गया। अब आगे देखो हल करेंगे, देखो इसके टुकड़े करेंगे, इसके टुकड़े तो क्या होंगे दो दो इंटू तीन, उनमें कोई जोड़ा नहीं बनता है, लेकिन अठारह के टुकड़े करोगे ना तो क्या हो जाएगा दो इंटू दो नहीं तीन इंटू तीन इंटू दो, मतलब तीन का एक जोड़ा बन जाएगा दो इंटू तीन इंटू तीन, अठारह के टुकड़े करते देखना आपने, पहले दो का भाग जाएगा नौ बार, फिर तीन का जाएगा तीन का एक जोड़ा बन रहा है ना, इसके तो हम टुकड़े कर लेंगे, इसके टुकड़े नहीं करेंगे, वो तो रह जाएगा आपके अंडर रूट का छह माइनस। अब इसके टुकड़े हुए ये तो जोड़ा किसका बन रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट दो, अब बटे में देखो दो का तो दो, अब देखो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो कितना बचेगा दो, इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया छह, ठीक है। अब यहाँ देखो दिख रहा है ना, अब देखो यहाँ ये तो ऊपर वाला सेम, देखो अंडर रूट छ माइनस तीन अंडर रूट दो बटा, अब देखो यहाँ छह में से दो गए चार, चार दूनी किसका आएगा माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है किसका आएगा माइनस, तो ये आ गया आपका आंसर, या फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ चिन्ह किसका है माइनस, सबके चिन्ह चेंज कर दो आप चाहो तो, ये भी आंसर राइट है, या फिर यहाँ आप लिख सकते हो सबके चिन्ह चेंज कर दो, देखो ये माइनस तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, ये भी आपका आंसर सही, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान लगाना। देखो अब सवाल नंबर चार, इसका सारणी से मान देख के मान रखने हैं, पहले साइन तीस बताओ कितना है एक बटा दो, तो यह आएगा एक बटा दो प्लस टेन पैतालीस कितना है एक, माइनस कोसेक साठ, कोसेक साठ का दो बटा अंडर रूट तीन, यह आएगा दो बटा अंडर रूट तीन, अब बटे में आवाज कम करो, सेक तीस बताओ सेक तीस का मान कितना है,
सिर्फ 30 का ये रहा, 2/√3, 2/√3 ठीक है, प्लस cos 60 का 1/2, 1/2 प्लस cot 45 का कितना है 1, ठीक है ना, सारी आनी चाहिए और ये थोड़ी कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, करेंगे आप इसको। अब देखो बेटा ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, इसके पट्टे में लगा के इसको भी बढ़ा लेते हैं भिन्न में, ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, इसको भी बढ़ा लो भिन्न में। जब दो या दो से अधिक संख्या भिन्न में हो, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो, तो आपको लेना पड़ेगा प्लस, एलसीएम लेना है, क्या लेना है, तो देखो दोनों ऊपर भी लेना पड़ेगा और नीचे भी लेना पड़ेगा। अब देखो ऊपर क्या आएगा, दो भी आएगा और √3 भी आएगा, दोनों डिफरेंट है ना, तो दोनों ही लस आएंगे, तो दो भी आएगा और √3 भी आएगा, आगे लस है। अब देखो दो का भाग इसमें देंगे, दो से दो कट गया, क्या बचा √3, किसे गुणा होगा, क्या आएगा √3 आएगा, आगे समझ में। अब बेटा यहाँ एक का भाग इसमें देंगे, दो √3 में कितनी बार, दो √3 बार, दो √3 को किसे गुणा करेंगे, क्या आएगा, दो √3, ये आएगा माइनस है तो माइनस। अब देखो √3 का भाग देंगे इसमें, √3 से √3 कट गया, क्या बचेगा, दो किससे गुणा होगा, दो दूनी चार। अब ये लेंगे बटे वाली लाइन, ये ले लो, अब यहाँ भी लस लेना पड़ेगा, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और लस लेंगे। अब देखो यहाँ भी क्या आएगा, दो √3 ही लस आएगा, यहाँ भी आएगा दो √3 आ गया। अब देखो √3 का भाग इसमें देंगे, क्या बचा, दो को दो से गुणा करेंगे तो चार, प्लस है तो प्लस। दो का भाग इसमें देंगे, दो से दो कट गया, क्या बचा, √3 का भाग इसमें देंगे तो √3, अब प्लस है तो प्लस। एक का भाग इसमें देंगे, क्या आएगा, दो √3, दो √3 किसे गुणा होगा, एक से, तो क्या आएगा, दो √3। अब देखो मैंने बताया जब दो संख्याएं भिन्न में हो और बीच में किसका चिन्ह हो, भाग का, तो गुणा में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं, उल्टा। लेकिन यह एक शॉर्ट आउट तरीका है, इसके बटे में क्या आ रहा है, दो √3 और इसके बटे में भी, इसे काट दो, आपको उल्टा करना नहीं पड़ेगा। अब ऊपर देखो क्या करना है, √3 और दो √3, यहाँ √3 तो है एक बार और यहाँ कितनी बार है, दो बार, सेम है ना, तो ये दो बार और एक बार कितनी बार हो गया, तीन बार, तो ये हो गया 3√3 और पीछे कितना है माइनस का 4। अब बटे में आ जाओ, अब यहाँ भी देखो 2√3 एक बार और √3 एक बार, तो ये दो बार और एक बार कितना हो गया, तीन बार, तो यहाँ भी आ गया 3√3 आ गया और प्लस का कितना बचा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ भी आपका आंसर सही है, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेय करते हैं, कहाँ कट रहे ऐसे, संख्या तब कटती है जब गुणा में हो, यहाँ बीच में क्या आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस में संख्या कभी भी नहीं करते, परेशान मत कर देना कि 3 से 3√3 ऐसा नहीं है, है ना, संख्या तभी करती है जो किसमें होती है, गुणा में, यहाँ क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेय, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने, ये 9th क्लास में ही था। अब देखो हर का परिमेयकरण करेंगे ना, तो जो नीचे वाली संख्या है ना उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मतलब ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे, तो करो देखो ऊपर तो क्या है 3√3 माइनस का 4 और नीचे क्या है 3√3 प्लस का 4, अब ऊपर गुणा करेंगे। अब देखो ये किसे 3√3 माइनस 4 बट्टा 3√3 माइनस 4, नीचे चिन्ह प्लस का है तो माइनस से करेंगे और माइनस का है तो प्लस से, संख्या सेम रहेगी, करें गुणा। अब देखो ये दोनों गुणा होंगे और ये दोनों गुणा होंगे, तो देखो देखो यहाँ संख्याएं भी समान है और चिन्ह भी समान है, जब संख्याएं भी समान हो और चिन्ह भी समान हो तो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर, क्या हो जाता है, होल स्क्वायर, और जब संख्याएं समान हो और चिन्ह क्या हो, अलग अलग, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर अलग अलग गुणा करना चाहो तो बहुत लंबा हो जाएगा, पहले 3√3 इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा, फिर 4 इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 3√3 पहले इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा, फिर इससे ये इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, तो काफी लंबा समय हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट करने के लिए जब संख्या भी सेम हो और चिन्ह भी सेम हो तो हो जाता है या तो ए प्लस
बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है ना तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके तीन अंडर रूट तीन माइनस चार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब तीन अंडर रूट तीन का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब चार का स्क्वायर, समझ में गया। अब देखो यहाँ सूत्र लगेगा आपके कौन सा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको इस सूत्र से खोल देंगे तो देखो खोलो ए का स्क्वायर मतलब तीन अंडर रूट तीन का स्क्वायर माइनस है तो सूत्र का गुणा ए ए का मान तीन अंडर रूट बी बी का मान प्लस है तो प्लस बी बी का मान चार का स्क्वायर आ गया। अब नीचे आ जाओ तो देखो नीचे क्या है स्क्वायर करना है तो देखो तीन का स्क्वायर तीन दिया और इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा तो नौ तीन कितना हो गया सत्ताईस, समझ रहे हो बात को भाई, तीन का स्क्वायर क्या तो तीन दिया नौ तीन सत्ताईस माइनस चार का स्क्वायर सोलह, चार चौक सोलह। अब ऊपर भी हल करेंगे, हल करो तीन का स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तीन तीन नौ नौ तीन सत्ताईस माइनस अब यहाँ देखो यहाँ चार दुनी चार दुनी आठ तीन चौबीस आठ तीन चौबीस अंडर रूट तीन प्लस चार का स्क्वायर चार चौको सोलह, भाग में आ जाओ भाग में कितना है सत्ताईस में से सोलह कटाओ कितने बचेंगे ये बचेंगे ग्यारह, ठीक है। अब आगे देखो ये सत्ताईस भी प्लस का और सोलह भी प्लस का सत्ताईस में सोलह जोड़ो तो ये हो गया आपके तिरालीस है ना माइनस चौबीस अंडर रूट तीन बटे में ये आ जाएगा आपका। अब आगे हल नहीं होगा ये है ना सर बात करनी। अब देखो सवाल नंबर पांच सारणी से मान देखो मान रखो हल करो उत्तर लाओ। देखो सबसे पहले तो पांच है तो पांच ही लिखेंगे कोई चीज नहीं है तो क्या आएगा गुणा। अब देखो कोस साठ कोस साठ का मान होता है एक बटा दो तो यहाँ आएगा एक बटा दो इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी प्लस। अब देखो चार है तो चार यहाँ आएगा गुणा सैतीस सैतीस का मान है कितना दो बटा अंडर रूट तीन दो बटा अंडर रूट तीन उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर टेन पैतालीस एक टेन पैतालीस का कितना होता है एक का स्क्वायर। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे सवाल करोगे तो मान भी याद हो जाएंगे आपको है ना। अब बटे में आ जाओ देखो साइन तीस एक बटा दो का स्क्वायर प्लस कोस तीस अंडर रूट तीन बटा दो का स्क्वायर। अब देखो सबसे पहला काम तो ये है सबके स्क्वायर डालो आप सबसे पहले सबके स्क्वायर डालो पांच का तो पांच गुणा एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर चार, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस चार इंटू दो का स्क्वायर चार अब इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर दोनों के ऊपर होता है अब बटे में तीन माइनस एक का स्क्वायर एक, ठीक है। अब नीचे देखो एक का स्क्वायर एक दो का स्क्वायर चार स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तीन बटा दो का स्क्वायर चार दोनों के ऊपर है स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो देखो गुणा करो पांच एकम पांच बटा चार प्लस चार चौको सोलह बटा तीन माइनस एक। अब नीचे आ जाओ देखो ये भी भिन्न में और ये भी भिन्न में क्या लेना पड़ेगा लघुतम लघुतम लेना पड़ेगा बताओ लघुतम कितना आएगा। अगर नीचे संख्या दोनों सेम हो ना ऊपर भी क्या आती है सेम एक प्लस तीन आ गया। अब आगे देखो ये भी भिन्न में ये भी भिन्न में मान लो इसके बटे में भी एक लगा दो इसको भी किसमें बना लो भिन्न में जब दो या दो से अधिक संख्या भिन्न में हो बीच में प्लस माइनस के चिन्ह हो तो क्या लेते हैं बताओ बेटा लघुतम कितना आएगा चार तीन बारह लघुतम आएगा बारह आगे बारह चार का भाग बारह में तीन को पांच से गुणा पांच तीन प्लस तीन का भाग बारह में चार को सोलह से गुणा सोलह चौको माइनस एक का भाग बारह में बारह को एक से गुणा अब बटे में आ जाओ तीन एक और तीन बटे में चार, ठीक है। अब देखो यहाँ चार से चार कट जाएगा है ना एक बार कटेगा
कोई मतलब ही नहीं, खत्म हो गया नीचे का। तो अब ऊपर देखो, 15 में से 12 घटा दो, 3 3 15 में से 12 गए, 3 को 64 में जोड़ दो, ये हो गया 67। बटे में कितना? 12। कट भी नहीं रहा है, बाहर भी नहीं जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अभी आज की क्लास ये समाप्त करते हैं, अगली क्लास में करेंगे सवाल नंबर 2।